आज कौम को बेबाकायद की जरूरत है, आज कौम को कौम के हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने वाली की जरूरत है, आज कौम को कनाडा में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, आज कौम के सामने जो मसायल है हिजाब के बारे में अपने आप को लड़ाई के लिए हमारी बहनों की इज्जत के लिए अपनी शान के लिए शरीयत के तहफ्फुज के लिए लड़ने वालों की जरूरत है। हमारे लीडर कौन है? कुमार अन्ना। उन्हों फला शख्स पैसे वाले हैं, उन्हों कैंडिडेट हुए तो हम जो है जीत सकते, ये फला पैसे वाला आएगा तो जीत जाएगा, ये पैसा लेके किसको बांटने वाले हैं? ये लीडर है हमारे बीच में आवाज को बुलंद करता है, आप आगे जाइए, आप ताकत दीजिए, आप हिम्मत दीजिए, इंशाल्लाह खाए दिन लीडर्स पैदा होंगे और फॉर्म की तरफ से होंगे। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर नया नया कोई आया है, उसको जो है किसी फॉर्म के किसी दर्द के बारे में उसको फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल बैठ करके रिमोट कंट्रोल पे बीजेपी के रिमोट कंट्रोल में काम कर रहा है। अभी बीजेपी के एमएलए कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ बयान नहीं देता, कभी बीजेपी कांग्रेस का एमएलए बीजेपी के एमएलए के खिलाफ बयान नहीं देता। ये बड़ी प्यारी जुगलबंदी इन दोनों की चल रही है, गुलबर्गा के अंदर नहीं कर्नाटका के अंदर मुसलसिल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के बीच मुस्लिम नौजवान कायदीन को हम चुन के भेजेंगे। अगर ये जज्बा आपके बीच में आएगा तो मैं आपसे वायदा करता हूँ जो फिज़ा गुलबर्गा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो फिज़ा है, शरण बसप्पा आपा ख्वाजा वंदनाज रहमतुल्लाह अलैह का जो जज्बा है हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का, उसी जज्बे को बरकरार रखते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। कांग्रेस अगर जिम्मेदारी लेती है किसी केस के अंदर तो कांग्रेस जो है वकील की फीस नहीं देने के वजह से केस को आगे डालक में काम गुलबर्गा शहर के मेयर के इलेक्शन में पूरी आवाम परेशान है। आप जिता के भेजिए, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी बड़ा लीडर हो उसको आंख में आंख मिला करके कौम के हक के लिए अपना सवाल उठाने का काम नहीं करेगा, बेझिझक होकर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद ये बुजदिल है, ये हमारे मसाइल को समझ करके उसकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता, तो आप मुझे बोलिए, मैं इसके बारे में फिक्र करूँगा, हो सकता है कि मैं फिर फैसला लूँ। मगर आज आप पार्टियों के लाइन से उठ करके आपको सोचना है, हिजाब का मामला हो चाहे किसी तरह का मामला हो, क्या मैंने अपने आप को आवाम के बीच में हुकूमत के सामने अपने आप को पेश नहीं किया? आपकी लड़ाई को मैंने तकवीत नहीं दी, ताकत नहीं दी? जो सूफिया इकराम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया करते थे वहाँ पर जा करके हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लड़ाने का मामला हो, वहाँ पे 165 लोगों को जेल में पहुँचाया गया जिसमें 10 हमारी माएँ और बहनें भी थी। एक तरफ मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की अमित शाह की हुकूमत और एक तरफ कर्नाटका में बम्बई की हुकूमत। आज के इस प्रोग्राम में डाइस पर तशरीफ मेरे बड़े भाई सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब, छोटे भाई कृष्णा रेड्डी साहब अड़ंद के एमएलए कैंडिडेट जनता दल सेक्युलर के महेश्वरी वाली जी, आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां फयाज हुसैन साहब जिन्हें नॉर्थ गुलबर्गा नॉर्थ जनता दल सेक्युलर के नायब सदर बनाने पर यहाँ पर एक छोटी सी दावत और तहनीयत यहाँ पर की गई, इसमें मौजूद तमाम फयाज हुसैन साहब के जनता दल सेक्युलर के चाहने वाले एक्स कॉरपोरेटर्स कॉरपोरेटर्स मोहल्ले के जिम्मेदारान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। हमारे फयाज हुसैन साहब का पोस्ट लेना मैं समझता हूँ कि ये दूसरी बार है, पहली बार यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने उनको ऑर्डर दिया था जब भी गुलबर्गा शहर में एक हलचल हुई थी, आज बड़े सॉफ्ट अंदाज में हो रहा है, बड़े नरम अंदाज में हो रहा है, मगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी की जो अहमियत है इस अहमियत को बड़े अच्छे अंदाज में बड़े खूबी से फयाज हुसैन साहब समझते हैं, पार्टी की जिम्मेदारी को लेते हैं और एक वलवला सा जो है अपने इलाके में अपने शहर के अंदर बनाने का वो हुनर फयाज हुसैन साहब में है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फयाज हुसैन साहब को एक ऐसे मौके पर
उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी ली है। जब मैं समझता हूं कि सिर्फ 7-8 महीने में एमएलए का इलेक्शन सामने है, इस बार जनता दल सेकुलर के कॉरपोरेशन के उम्मीदवार के हैसियत से उनके अहलिया यहां पर उम्मीदवार थे, मगर उनको इलेक्शन में शिकस्त हुई। मुझे मालूम नहीं कि क्या वजूहात यहाँ पर हैं, किस लिए उनको शिकस्त हुई। दो इलेक्शन मुसलसिल वो यहाँ पर जीतते आए, और जनता दल सेकुलर और खुसूसी तौर पर मेरे लिए संतराशवाड़ी ये अपना मोहल्ला है, मेरे लिए मेरा मोहल्ला है। यहाँ पर जिस तादाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, कहीं ना कहीं ये फिक्र की बात है। और आज फयाज हुसैन साहब अपने इलेक्शन के शिकस्त के बाद फिर से पार्टी के अंदर जिम्मेदारी लेकर मैं आगे बढ़ के काम करने वाला हूँ, ये जज्बा जो उन्होंने बताया, मैं समझता हूँ उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और संतराशवाड़ी के उन तमाम जिम्मेदारों को, उन मोहल्ले के जिम्मेदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि फयाज हुसैन आपके बीच में एक भाई के हैसियत से काम करता है, कभी उसके मिजाज में, कभी मैं कॉरपोरेटर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, वो मिजाज उसमें नहीं आया है। आज जो इलेक्शन हमारे सामने आ रहा है, ये कॉरपोरेशन का नहीं बल्कि एमएलए का इलेक्शन है। और गुलबर्गा शहर के तमाम अवाम इस इलेक्शन को बड़े गौर से देख रही है, संजीदगी से देख रही है कि क्या सियासी हालात हो रहे हैं, क्या नौइयत इस इलेक्शन की होगी। एक तरफ मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की हुकूमत, और एक तरफ कर्नाटका में बम्बई की हुकूमत। इन गुलिस्ता 6 महीनों में 7 महीनों में मैं समझता हूं कि जिस तरीके से बसवराज बम्बई यहां के हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के अवाम के बीच में जो सवालात पेश कर रहे हैं, चाहे वो हिजाब का मामला हो, झटका और हलाल कट का मामला हो, अजान का मामला हो, मुस्लिम ताजिरों के पास खरीदो फरोख्त ना की जाए, इस तरह से एक हिंदू संगठन जो है पॉम्पलेट्स बांट रही है, अड़ंत का मामला, यहाँ पर हमारे अड़ंत के लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर के जो सूफिया इकराम हिंदू मुस्लिम इतिहाद के पैगाम दिया करते थे, वहाँ पर जाकर के हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लड़ाने का मामला हो, वहाँ पे 165 लोगों को जेल में पहुँचाया गया, जिसमें 10 हमारी माएँ और बहनें भी थी। ये तमाम मामलात आए दिन बढ़ रहे हैं, आए दिन मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के इस हिंदू मुस्लिम इतिहाद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आज वक्त की ज़रूरत यह है कि अवाम जो घर में बैठे हुए हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारी माएँ और बहनें हैं, इस इलेक्शन की अहमियत को समझें। वोट आप एक पल में डालते हैं, पोलिंग बूथ में आप जाते हैं, मशीन के सामने खड़े होते हैं, वोट किसको डाल रहे हैं वो किसी को नहीं पता चलेगा। आप ये बोल सकते हैं कि फयाज भाई मैंने आपको वोट डाला है, कांग्रेस वालों को भी बोल सकते हैं आपको डाला है, मेरे को भी डाले हैं, उनको भी डाले हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो वोट होता है, ये शरीर तौर पर इसकी एक अहमियत है। आप गवाही ही दे रहे हैं, आप शहादत दे रहे हैं कि आपके बीच में ये फलां कैंडिडेट आपके लिए मौजूद हैं, ये आपके लिए लड़ सकता है, ये आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, आपके हुकूक़ के लिए, आपके इज्जत के लिए, आपके शान के लिए मौजूद कैंडिडेट है, ये गवाही, ये शहादत आपका वो वोट है। मगर अफसोस, इस वोट की अहमियत को हम लोग बड़ा जाती बना लिए हैं। नहीं भाई, हम बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे कांग्रेस से, हमारे वो रिश्तेदार से ताल्लुक आते हैं, हमारे फला जमात के ज़िम्मेदार ने हमको कहा कि हम इसको वोट डालें, हमारे साहब ने बोल दिया कि हमको वोट डालें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, मगर आप अपने ज़मीर को, अपने दिल को टटोलिए, सोचिए, फिक्र कीजिए कि आज के मौजू में आपको ये नहीं लगता कि आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद, जो 2 मरतबा इलेक्शन में शिकस्त हुई है, उसके बावजूद इन गुलिस्ता 4 सालों में 5 सालों के अंदर, चाहे वो NRC हो, चाहे वो अड़ंत का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे किसी तरह का मामला हो, क्या मैंने अपने आप को अवाम के बीच में
हुकूमत के सामने आपने आपको पेश नहीं किया, आपने लड़ाई, आपकी लड़ाई को मैंने तकवीत नहीं दी, ताकत नहीं दी, इसके बारे में फिक्र कीजिए। अगर आपको लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद ये बुजदिल है, ये हमारे मसाइल को समझ करके उसकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता, तो आप मुझे बोलिए, मैं इसके बारे में फिक्र करूँगा, हो सकता है कि मैं एक फैसला लूँ। मगर आज आप पार्टियों के लाइन से उठ करके आपको सोचना है। पार्टी अपनी जगह है, एक सियासी जमात के खाइजिन वो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मंगाते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सा फलां कैंडिडेट जीतने वाला है, हारने वाला है, क्या होने वाला है। मगर हम सियासी खाइजिन से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके बीच में से एक लीडर उभर करके आए। लीडरशिप देने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये गुलबर्गा शहर वो शहर है जिसने यहाँ पर वोट डालने वाले को जो है नेशनल लेवल पे ख़यादत करने का मौका दिया है, लीडरशिप करने का मौका दिया। गुलबर्गा की आवाम ने कभी MLA को वोट नहीं डाला है, डाले हैं कभी? यहाँ पे जिसको भी आपने वोट दिया है वो एक लीडर समझ करके आपने वोट दिया है। आज जो मसाइल हमारे बीच में है, कौम के सामने जो मसाइल हैं जिसके लिए हमको एक होकर के हमको लड़ना है, आज ये लड़ाई को लड़ने के लिए एक लीडर को बाहर निकाल करके आपको अगर पेश करना है तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, कौम की बनती है, कौम के जिम्मेदारों की बनती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पार्टी का पोस्ट लिए तैनात हुई, इसके बाद रुकना नहीं है। ये सिलसिला मुसलसिल हमको पोलिंग के आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक, जब तक के EVM सील ना हो जाए, जब तक ये लड़ाई बरकरार होनी चाहिए। ये लड़ाई मेरी लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरी नासिर हुसैन उस्ताद की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद जीत नहीं सकता। ये लड़ाई इंफरादी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कौम की लड़ाई है, मिल्लत की लड़ाई है। अगर आप अपने आप को आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने आप को कैंडिडेट समझ करके आप खड़े होते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे ज़बान देता हूं कि मैं आपके उस जज्बे को जो है रुसवा करने के लिए आपको शर्मिंदा कभी करने का काम नहीं करूंगा। आप जिता के भेजिए, मैं आपसे वायदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी बड़ा लीडर हो उसको आंख में आंख मिला करके कौम के हक के लिए अपना सवाल उठाने का काम आपका भाई करेगा। बेझिझक होके कीजिए आप। अगर आपको महसूस होता है कि हाँ नासिर हुसैन उस्ताद के अंदर वो ताकत नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि भाई फलां नहीं, हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है, हम उसको वोट देंगे। किस वजह से वोट दे रहे हैं आप? आज कोई कॉर्पोरेटर है वो आपने आपके बीच में आने वाले हैं वोट मांगने के लिए, नहीं भाई मैडम अच्छे हैं, कांग्रेस अच्छी है, उनको चेयरमैन बनना है कॉर्पोरेशन में, उनको मेयर बनना है, डिप्टी मेयर बनना है। मगर कौम के सामने मेयर डिप्टी मेयर का सवाल नहीं है, कौम के सामने गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब अड़ंत के अंदर मामलात होता है तो महकमा डिप्टी कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसको बुलाते हैं? गुलबर्गा के मुस्लिम MLA को बुला करके बैठते हैं। गुलबर्गा ज़िले के मुस्लिम लीडरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए? मुसलमानों के गुलबर्गा के ज़िले के अंदर मुसलमानों की क़यादत, मुसलमानों के मसाइल के बारे में उसका हल निकालने की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? ये जिम्मेदारी गुलबर्गा नॉर्थ के वोटर्स की है। आपके वोट सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ के हद तक महदूद नहीं है, आपका वोट गुलबर्गा ज़िले के हर मुसलमान की क़यादत के लिए आपकी वोट का इस्तेमाल है। आपका वोट गुलबर्गा शहर ज़िले के तमाम सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों की क़यादत कौन करे उसका वोट आपको है। आप पहले अपनी वोट की अहमियत को समझिए। ये इलेक्शन कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो गया, भूल जाइए उसको। आज कॉर्पोरेटर बहुत ज़्यादा हैं कांग्रेस के, फलां हैं, कॉर्पोरेटर से काम होने वाला नहीं। कॉर्पोरेटर जो जीते हैं वो आप ही के वोट से जीते हैं, आप ही के वोट से जीते हैं। और आप अगर चाहें तो मुझे पूरा यकीन है आप अगर इस जज्बे को आप साथ लेकर के चलेंगे कि हाँ गुलबर्गा के अंदर नहीं, कर्नाटका के अंदर मुसलसिल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के बीच मुस्लिम नौजवान खाइजीन को हम चुन के भेजेंगे, अगर ये जज्बा आपके बीच में आएगा तो मैं आपसे वायदा करता हूँ जो फिज़ा गुलबर्गा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो फिज़ा है, शरण बसप्पा आप्पा ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो जज्बा है हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का, उसी जज्बे को बरकरार रखते हुए मैं आगे बढ़ूँगा आपके बीच में। मैं वादा करता हूं, मैं तमाम लोगों से आज खुसूसी तौर पर संतराशवाड़ी के तमाम जिम्मेदारों से मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन हो गया है कॉर्पोरेशन का, उसको भूल जाइए।
अब याद रखिए कि आगे आने वाला जो इलेक्शन है 8 महीने का इलेक्शन, उसमें फयाज हुसैन कैंडिडेट नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद कैंडिडेट नहीं है। आप लोग इस मोहल्ले के जिम्मेदार आप लोग कैंडिडेट हैं समझ करके आप इलेक्शन कीजिए। कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे वार्ड नंबर 24 के अंदर एक कोर्ट का केस हुआ, बीजेपी का एक कॉर्पोरेटर वहाँ पर जीता था जिसकी उम्र कम थी। कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक जजमेंट दिया है। मैं इशरत जैदी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उस कानूनी लड़ाई को लड़ करके मदर हुसैन एडवोकेट के साहब के साथ जुड़ करके एक अल्हम्दुलिल्लाह एक कानूनी लड़ाई के अंदर उनको जीत मिली है। और आगे भी मैं समझता हूँ कि और कुछ कानूनी हेर पेच बाकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर आपके साथ है, आप कानूनी लड़ाई लड़िए, इंशाअल्लाह जीत कामयाबी हक की होगी, इसका यकीन हमें है। आज गुलबर्गा शहर के अंदर कॉरपोरेशन इलेक्शन काफ़ी दिन हो गए, आज तक भी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं हो रहे। मीडिया वाले भूल गए हैं, आवाम भूल गई है कि मेयर का इलेक्शन होना है, डिप्टी मेयर का इलेक्शन होना है, क्या होना चाहिए। ये कोर्ट को चैलेंज करने का काम बीजेपी ने एक अनडेमोक्रेटिक मूव खेला, MLCs को वोटर्स बनाया, कांग्रेस के हमारे जिम्मेदारों ने केस फाइल किया। कांग्रेस के जिम्मेदारों के हाथ में अगर केस देंगे और हम खामोश बैठेंगे, मैं मेरा जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने हाथ में उस लड़ाई को लेकर के आपने कामयाब हुए हैं। कांग्रेस अगर जिम्मेदारी लेती है किसी केस के अंदर, तो कांग्रेस जो है वकील की फीस नहीं देने की वजह से केस को आगे डालने का काम गुलबर्गा शहर के मेयर के इलेक्शन में होगा। पूरी आवाम परेशान है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर नया कोई आया है, उसको जो है किसी कौम के किसी दर्द के बारे में उसको फिक्र नहीं है। वो बिल्कुल बैठ करके रिमोट कंट्रोल पे, बीजेपी के रिमोट कंट्रोल में काम कर रहा है, MLA के रिमोट कंट्रोल में काम कर रहा है, मार्केट के अंदर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को निकालने का काम हो रहा है। ये मुसलसिल इस तरीके से काम हो रहे हैं। आज मैं समझता हूँ एक जगह गरीबों के दुकानों भी तोड़ दिए हैं। आज सुबह न्यू आरटीओ के पास वहाँ पर भी दुकानों को तोड़ा गया है कॉरपोरेशन कमिश्नर कॉरपोरेशन के ज़रिए। बहुत सारे इलीगल बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको एड्रेस करना है, मगर कॉरपोरेशन कमिश्नर को रखा गया है कि बॉडी ना हो, कोई कॉरपोरेटर आवाज़ ना उठाए। और ये दोनों जो है कांग्रेस और बीजेपी की जो जुगलबंदी है, जो अंडरस्टैंडिंग गुलबर्गा शहर के अंदर जो साफ तौर पे नज़र आता है, कभी बीजेपी के MLA कांग्रेस के MLA के खिलाफ बयान नहीं देता, कभी बीजेपी कांग्रेस का MLA बीजेपी के MLA के खिलाफ बयान नहीं देता। ये बड़ी प्यारी जुगलबंदी इन दोनों की चल रही है, आवाम को इससे बेजार होना है। एडजस्टमेंट की सियासत जो बोलते हैं ना, इलेक्शन आने पर बोलते हैं जनता जो है बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस की यहाँ पर की जो लीडरशिप है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी जो है कांग्रेस की बी टीम है। ये साफ तौर पर आवाम के बीच में ये डिस्कशन होना चाहिए, ये इसके बारे में आप लोग फिक्र करना चाहिए। क्यों मेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोर्ट के अंदर कौन गए हैं, बीजेपी ने एक फैसला किया उसके खिलाफ कांग्रेस गई, अब तक डिसीजन क्यों नहीं हुआ। आप जहाँ पर भी बैठते हैं उठते हैं पूछिए आप कांग्रेस के लीडर्स क्या कर रहे हैं, क्या कब होने वाला है इलेक्शन। आज इन तमाम इश्यूज को लेकर के कौम के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, शहर के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पर इन तमाम इश्यूज को लेकर के एक संजीदा तौर पर हमको फिक्र करनी है। और सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट होते रहेंगे, डेवलपमेंट का अब मैं डेवलपमेंट बोलूँगा तो काम हुए बोल रहे हैं, डेवलपमेंट्स के काम होने के बीच में उसमें कॉरपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी वहाँ पर 40% की हुकूमत है, कितना 40% कमीशन बीजेपी की हुकूमत, 40% कमीशन की हुकूमत है। और गुलबर्गा के MLA कितने परसेंट कमीशन गए हैं, सबको मालूम है 10% बोल रहे सब। किसके जरिए देना है, लेने देने वाला कौन है, आदिल। सबको मालूम है, बोल रहे कोई भी नहीं। आज ये कमा रहे हैं कमाने दो, कर रहे हैं करने दो, तकलीफ उस बात की नहीं है। तकलीफ इस बात की है जब कौम के सामने सवाल उठाए जाते हैं, ये फासिस्ट ताकतें हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, तो इन्हों अपनी जबान को बंद रखते हैं। मुसलमानों के जज्बात को आज बिल्किस बानू का यहाँ पर एक
रेपिस्ट्स को, वो लोग जिन्होंने एक पांच महीने की हामिला औरत, उसको 11 लोग मिलकर के रेप करते हैं, उसकी अजमत लूटते हैं, जी नहीं भरता तो उनकी माँ की इज्जत लूटते हैं, उनकी माँ की अजमत लूटते हैं, उसके बाद 3 बच्चों को जो है शहीद करते हैं, उनके माँ बाप के साथ लोगों की जान लेते हैं। कोर्ट उनको सजा देना चाहिए था, फांसी की सजा देना चाहिए था, उमर खैद की सजा सुनाती है। 75वीं साल योम आज़ादी हम मना रहे हैं, ऐसे मौके पर ये गुजरात की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की ये हुकूमत उन 11 लोगों को जो है रिलीज करने का काम करती है, रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के एमएलए उनको जाकर के गुलपोशी करते हैं, फेलिस्ट्रेट करते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने नारी सम्मान के लिए बहुत बड़ा कारनामा किया है। और बयान दिया जाता है कि ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनके बड़े आदर्शवादी विचार हैं, ये आदर्श लोग हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए इनको कि रेप करने वालों की जात देखा जाता है, रेप होने वाली की जात देखा जाता है। ये 75वीं साल योम आज़ादी के दिन किया जाता है उन मुजाहिद आज़ादियों ने, जिन्होंने हिंदू हर मज़हब का हमारा हिंदुस्तानी ने इस मुल्क को आज़ाद करने का सपना दे करके अपनी जानों की कुर्बानी दिए। ऐसे मौके पर इस तरह के जो है रेपिस्ट को जो है फेलिस्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं। आज शर्मनाक माहौल हिंदुस्तान में है, बहुत घटिया किस्म की सियासत हो रही है। आज मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ अजमतें लूटी जाएंगी तो भी हम उनके साथ खड़े होंगे। आज ये जो फिजा है हिंदुस्तान की पहचान को ख़त्म करने की बात हो रही है, आज वक्त की ज़रूरत है, हमें इन छोटे छोटे इश्यूज से अपने आप को दूर रखें। आज सवाल बड़ा तगड़ा हमारे सामने सवाल है, ऐसे सवालों का जवाब देना है हमें। हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद को भी बरकरार रखना है, मोहब्बत को भी बरकरार रखना है, और साथ ही साथ ये जो अपने आप को हिंदुत्ववादी, ये जो आरएसएसवादी, ये चड्डीवादी, ये सावरकरवादी, ये लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हमको एक होकर के मजबूती के साथ फैसला लेना है। इन तमाम इश्यूज़ के बारे में आपके अलावा कोई फिक्र करने वाला नहीं है। आप उम्मीद मत कीजिए कि कोई लीडर फैसला करेगा टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलती है, बात की बात छोड़ दो उसको, टिकट किसको मिलती है। कांग्रेस के आप खाए जिनसे उम्मीद करते हैं कि वह लीडर को टिकट दें, कांग्रेस वाले देंगे लीडर को टिकट, कांग्रेस वाले देंगे आपके आवाज को बुलंद करने वालों को टिकट? नहीं देंगे, वो उन्हीं को टिकट देंगे जो उनके सामने हाथ बंद करके खड़े होते हैं। सियासी लीडरों से उम्मीद मत रखिए, आप अपने जमीर को टटोलिए, आपके बीच में आपको महसूस जो होता है कि हाँ आप ये लीडर है हमारे बीच में आवाज़ को बुलंद करता है, आप आगे जाइए, आप ताकत दीजिए, आप हिम्मत दीजिए, इंशाअल्लाह खाए जिन लीडर्स पैदा होने होंगे और कौम की तरफ से होंगे, कौम के दानिशमंदों की तरफ से, कौम के गरीबों की तरफ से लीडर बाहर उभर करके आएगा। इन सियासी जमातों से, सियासी लीडरों से जो है खायद आवाज़ जो है उभर करके बाहर नहीं आने वाले हैं। आज इस चीज़ों को समझना है, इन बातों को समझ करके हमको फैसला लेना है, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, भूख सब लोगों को लगी है। मैं ज़्यादा वक्त बात नहीं करते हुए मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आज से, क्योंकि संतराशवाड़ी है, संतराशवाड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शहर में बहुत सारे अफवाहें भी चल रही हैं। अभी हमारे मैडम भी बोल रहे थे नासिर राणा एनो टिकट एनो आगे अंत मैडम अद टिकट ऐनू आगोदी ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ हमारे लीडर कौन है कुमारण्णा हमारे को ग्रीन सिग्नल दिए हैं 3 महीने पहले काम करो बोल रहे हैं दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं कोई कौम के सामने मसाइल नहीं नज़र आते उनको जो है क्या नज़र आता है पैसे वाला नज़र आता है आज कौम के बीच में अरे भाई पैसे वाले कौन हैं उन्हों फलां शख्स पैसे वाले हैं उन्हों कैंडिडेट हुए तो हम जो है जीत सकते ये फलां पैसे वाला आएगा तो जीत जाएगा ये पैसा लेके किसको बांटने वाले हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पैसे वाले इनके मुंह में जबान है किसी इशू में ये लोग बाहर आए हैं आज पैसे वालों आज वक्त पैसे वालों को नहीं है पैसे वाले हमारे मुहिम में आइए कौम में एक मजबूत क़यादत को जिताने के लिए पेश करने के लिए आप अपना पैसा लगाइए ना कि कौम के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आज कौम फिक्रमंद है गुलबर्गा की जो तारीख है उस इत्तेहाद को आज फिर से कायम होगा इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है क्योंकि गुलबर्गा शहर की आवाम अपने इत्तेहाद का सबूत देते आई है फिर से इत्तेहाद का सबूत देगी
मगर इस इत्तेहाद को कायम करने के अंदर चंद पैसे की ख्वाहिश रखने वाले चंद लोग, चंद मुनाफिक, चंद गंदे अंडे जो है भाई पैसे वाला कौन है, ये पैसे वाला कभी काम आने वाला नहीं है। आज कौम को पैसे वालों की ज़रूरत नहीं है, आज कौम को जज्बे वाले की ज़रूरत है, आज कौम को बेबाकायद की ज़रूरत है, आज कौम को कौम के हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले की ज़रूरत है, आज कौम को कनाडा में मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, आज कौम के सामने जो मसाइल हैं हिजाब के बारे में अपने आप को लड़ाई के लिए, हमारी बहनों की इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए लड़ने वालों की ज़रूरत है। आज वक्त नहीं है, आज वक्त नहीं है कि हम जा करके देखें। बताइए आप मुसलमानों, क्या आप अपने ईमान का सौदा चंद रुपयों में करने वाले हैं, बिकने वाले हैं कि 500 में? बोलो, आप अगर बोल रहे हैं कि 500 में एक वोट आप अगर डालने वाले हैं तो इलेक्शन ठहरने की ज़रूरत नहीं है, लाएंगे बहुत सारे पैसे वाले, मेरे भी दोस्त अहबाब हैं, बड़े बड़े सेठ तैयार हैं, किसी की ख्वाहिश है, किसी के पास पैसा है, ये कौम के सामने ये मसाइल नहीं है। ये गंदे अंडों को सीधा करेंगे, इन गंदे अंडों को अपनी औकात बताएंगे। आप लोग है जाए, एक हो जाइए, आप लोग फैसला कीजिए कि हाँ वक्त की ज़रूरत है, हम तमाम लोगों को एक होकर के हमको लड़ाई लड़ना है। पैसे वाले, इन्फ्लुएंस वाले, भाई तुम बाद में आओ, दो बार शिकस्त हुई है, दो बार, कभी इक्तदार नहीं, कभी चमचागिरी नहीं। इक्तदार की कुर्सी की अगर लालच होती तो केजेपी के बाद बीजेपी में चला गया होता मैं। आज बीजेपी का कैंडिडेट हारने के बावजूद चेयरमैन है, नासिर हुसैन उस्ताद स्टेट का चेयरमैन बनता, एमएलसी बनता, मिनिस्टर बनता। नासिर हुसैन उस्ताद को कुर्सी की आस नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद के जज्बे आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज़ बनने की ख्वाहिश है, आपके दिलों में जगह बनाने की नासिर हुसैन उस्ताद की ख्वाहिश है। इसीलिए ये जो है तमाम सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता आ रहा हूँ। शिकस्त हो रही है, क्या भी हो रही है, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है, जब तक अल्लाह मुझे सांस देगा, जब तक मुझ में जिंदगी रहेगा, जब तक मैं ताकत फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आवाज़ लड़ता रहूंगा। बस इतना चाहता हूं कि आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद कीजिए, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं, कि हाँ आपका भाई आपके बीच से जो है एक आवाज बुलंद करता है और लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता है, ये जज्बे में आपको चाह रहा हूं। आज कोई ताकत नहीं है, चाहे हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, झटका हो, हलाल हो, आज कर्नाटका में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद हो रही है तो वह हमारे लीडर कुमारस्वामी की, वो एक ही ऐसा लीडर है जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। हमको ऐसी सियासी जमात को, ऐसे लीडर को ताकतवर बनाना है, वही एक जज्बे के साथ हम कुमार राणा के पीछे खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आज वक्त की ज़रूरत है कि कुमार राणा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे जिम्मेदार पोस्ट लिए हैं, हमारे महबूब साहब भी जो लिए हैं, तैनियतों के प्रोग्राम हुए हैं, और बहुत सारे लोग अभी जेडीएस ज्वाइन नहीं करे फिर भी यहाँ पर प्रोग्राम में आए, गुलपोशी कर लिए। कहा है जी अहमद साहब, अहमद है, आजम पटेल साहब क्या भी फिक्रमंद है क्या, कश्म कश्म है क्या, क्या भी पैसे वालों की आस में है? छोड़ दीजिए, आप सब हमारे भाई हैं, खुले दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपकी जो ताकत है कौम के फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल करें, कौम के अंदर इत्तेहाद कायम करने के लिए आपका ये ताकत इस्तेमाल हो। ये बात कहते हुए मैं और एक बार जितने नए ऑफिस वेयर्स हैं जनता दल सेकुलर के नॉर्थ के कमेटी के, हमारे फयाज भाई, पहली बार भी हवा हुई थी, सेकंड भाई गुलबर्गा के शहर के अंदर बताना है कि फयाज का काम क्या है। फयाज पहली बार 900 चिल्लर रोड से जीते, बहुत बड़ा आदमी था सामने वाला, वो तो पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान, बीजेपी और उसके बीच में वो अकेला ही फिरता था गाड़ी पे, टू व्हीलर पे भागा, ये गली ये गली ये गली, तुम्हारे लिए करे आप फॉर्म के लिए, फिर गली गली फिरना शुरू कीजिए, साथ दीजिए आप तमाम लोग। ये कहते हुए मुझे बात करने का मौका दिया, बुलाया गया, तमाम लोगों को तैनात करने के लिए मैं अपनी बात को और एक बार हमारे इशरत जैदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही तमाम ऑफिस बेस को मुबारकबाद पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।